साउथ की मशहूर एक्ट्रेस नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां एक्ट्रेस नयनतारा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, तो दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स से एक्ट्रेस की ये फिल्म डिलीट कर दी गई है। एक्ट्रेस नयनतारा की अन्नपूर्णी 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके बाद अब ये OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। फिल्म के रिलीज के करीब 1 महीने बाद देश भर में फिल्म को लेकर बवाल मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि फिल्म में भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिस वजह से कई लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। इस मूवी में भगवान श्री राम को मांस खाने वाला बताया गया है, जिस वजह से ये मूवी लगातार कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बनी हुई थी। नीलेश कृष्णा के निर्देशन में बनी अन्नपूर्णी में नयनतारा ने अन्नपूर्णी का किरदार निभाया है। अन्नपूर्णी एक ऐसे लड़की की कहानी है जो पुजारी की बेटी है। वो बचपन से शेफ बनना चाहती थी। फिल्म के एक सीन में दिखाया गया कि ट्रेनिंग के दौरान अन्नपूर्णी किचन में नहीं काट पाती है चिकन, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। ऐसे में फरहान उन्हें समझाते हैं कि रामायण का उदाहरण देते हुए कि वाल्मीकि ने रामायण में कहा है कि जब जंगलों में भगवान राम सीता लक्ष्मण को भूख लगी तो उन्होंने जानवरों को मार कर खाया। रामायण में भी लिखा है कि उन लोगों ने नॉनवेज खाया। नयनतारा समेत डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और नेटफ्लिक्स इंडिया के खिलाफ तमाम जो शिकायतें थी वो आनी शुरू हो गई, जिसके बाद जब मामला बढ़ा तो हिंदूवादी संगठनों ने मामला दर्ज कराया। नयनतारा ने बीते साल शाहरुख खान के साथ फिल्म जवान में काम किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री की थी। जवान के बाद एक्ट्रेस को लेकर कई खबरें सामने आई कि अब एक्ट्रेस बॉलीवुड में कई और फिल्में करेंगी। वहीं संजय लीला भंसाली की आगामी प्रोजेक्ट बैजू बावरा में महत्वपूर्ण किरदार भी निभा सकती हैं। लेकिन इसी बीच में नयनतारा के लिए एक बुरी खबर, जहां नयनतारा के खिलाफ तो FIR दर्ज की ही गई है, साथ ही पूरे क्रू मेंबर्स और पूरे मेकर्स के खिलाफ भी FIR दर्ज करा दी गई है। इसके अलावा नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी को नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया है। नेक्स्ट 9 लाइफ ब्यूरो।